सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। ये है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का पार्ट 5। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम देखते हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस्ड करेंगे तो हमें इमेज उस फोकस पे मिलेंगी जो मिरर के पीछे होगा, मीन्स F2 पे। कॉन्वेक्स लेंस के पीछे जो फोकस होता है उसे हम F2 बोलते हैं, और जो इमेज हमें मिलेंगी वो पॉइंट साइज होंगी और ये इमेज रियल और इन्वर्टेड होंगी। तो अब सेकेंड केस में हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं पर भी प्लेस कर देंगे तो हमें इमेज सेकेंड वाले फोकस और सेकेंड वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मिलेंगी। ये इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी होंगी और ये इमेज रियल और इन्वर्टेड होंगी। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस कर देंगे तो हमें इमेज सेकेंड वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेंगी और हमें जो इमेज मिलेंगी वो सेम साइज की होंगी और ये इमेज रियल और इन्वर्टेड होंगी। अब फोर्थ केस, अब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में प्लेस कर देंगे तो हमें इमेज मिलेंगी दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ये इमेज ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होंगी और ये इमेज रियल और इन्वर्टेड होंगी। अब फिफ्थ केस में हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे प्लेस कर देंगे तो ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे प्लेस करने पे हमें इमेज मिलेंगी इन्फिनिटी पर और हमें जो इमेज मिलेंगी वो ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत ज्यादा बड़ी होंगी, मीन्स हाईली एनलार्ज होंगी और ये इमेज रियल और इन्वर्टेड होंगी। और सिक्स केस में हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस कर देंगे तो हमें इमेज ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे मिलेंगी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा और ये इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होंगी, मींस इस इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते और ये इमेज इरेक्ट मींस सीधी होंगी। तो ये तो थी कॉन्वेक्स लेंस की बात। अब हम कॉनकेव लेंस की रे डायग्राम देखेंगे। तो कॉनकेव लेंस में अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस करेंगे तो हमें इमेज सेम साइड के फोकस पर मिलेंगी और ये इमेज पॉइंट साइज होंगी और ये इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होंगी। और अब सेकेंड केस में आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी प्लेस कर दे तो आपको इमेज मिलेंगी सेम साइड के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में और ये इमेज ओरिजिनल इमेज के साइज से छोटी होंगी और ये इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली सारी वैल्यूज नेगेटिव होती है। हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में पुट करते हैं और लेफ्ट साइड की वैल्यूज हमेशा नेगेटिव होती है और राइट साइड की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होती है। तो क्योंकि रेज हमेशा लेफ्ट साइड से आती है इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। तो जैसा कि हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला पढ़ा था वैसे ही कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला भी होता है। तो लेंस फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/f। यहाँ पर v का मतलब है इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से, u का मतलब है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज से और स्मॉल f का मतलब है फोकल लेंथ। तो अभी हमने लेंस फॉर्मूला पढ़ा तो अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, अ कॉनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर्स, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फॉर्म द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस दिया गया है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर्स। तो हमें बताना है कि हम ऑब्जेक्ट को लेंस से कितने दूर प्लेस करें कि उसकी इमेज लेंस से 10 सेंटीमीटर्स दूर फॉर्म हो। यहाँ पर मैंने आपके लिए डायग्राम भी बना दी है। तो फॉर्मूला था 1/v - 1/u = 1/f। और जैसा कि हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड में पुट करेंगे तो v हो जाएगा -10 और फोकल लेंथ आ जाएंगी -15 सेंटीमीटर्स। तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u फाइंड करना है तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/-10 - 1/u = 1/-15। तो हमें 1/u फाइंड करना है, मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स 1/u को इस साइड में ट्रांसफर कर लेंगे और फोकल लेंथ को इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/u
is equal to 1 upon minus 10 plus 1 upon 15. तो यहाँ पर हम 10 और 15 का LCM ले लेंगे, तो ये आ जाएगा minus 3 plus 2 upon 30. ये आ जाएगा minus 1 upon 30. और minus 1 upon 30 को हम लिख सकते हैं minus 30. तो जैसे मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन फार्मूला होता है, वैसे ही एक मैग्नीफिकेशन फार्मूला लेंस के लिए भी है. तो मैग्नीफिकेशन इक्वल होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू v अपॉन u. तो पिछले क्वेश्चन में हमें v दिया था -10 सेंटीमीटर और u हमने फाइंड कर लिया था -30 सेंटीमीटर. तो इसमें मैग्नीफिकेशन कितना होगा, हम अब इसका मैग्नीफिकेशन फाइंड करेंगे. तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू v अपॉन u. तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू -10 अपॉन -30. तो यहाँ पर माइनस माइनस कट हो जाएगा और जीरो जीरो भी कट हो जाएगा. m इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 0.33. तो अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, पावर ऑफ अ लेंस. तो लेंस के पास लाइट रेस को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की पावर होती है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था. कॉन्वेक्स लेंस के पास लाइट रेस को कन्वर्ज करने की पावर होती है और कॉन्केव लेंस के पास लाइट रेस को डाइवर्ज करने की पावर होती है. और लेंस की पावर इक्वल होती है उसके फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के, पी इज इक्वल टू 1/f. और लेंस की पावर का SI यूनिट होता है डायोप्टर. और क्योंकि पावर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है और ऐसी ही कॉन्केव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ भी हमेशा नेगेटिव होती है. तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में पावर पूछी गई हो तो आप फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर लेना, आपको पावर मिल जाएंगी. तो हमारा चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन यहीं पर खत्म होता है. तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी और समझ में आई होंगी. तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. और इन वीडियोस से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. तो इस वीडियो में इतना ही.